हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुचि हसने की ब्लॉग में। तो आइए करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, छोटों को प्यार भरा नमस्ते, मेरे साथ वालों को हेलो हाय। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और मैं आपके लिए ब्लॉग शूट कर रही हूँ देवभूमि उत्तराखंड के हरसिल घाटी से। तो बने रहिए ब्लॉग में मेरे साथ। भैया हरसिल के बारे में बता रहे हैं, डिस्कर्स चल रहा है हरसिल के बारे में। हरसिल खूबसूरत जगह है, देसी सीजन चलते रहते हैं। तीन तीन बार यहाँ पे सीजन चलता बदलता रहता है। और क्या क्यों बहुत बड़ा मान है, जैसे कि यार मनाया बन गया ना, पर यार वही काम नहीं करा रहा हूँ। तो हरसिल जो है दो तीन चीज़ से जो है फेमस है यार। सबसे पहले तो हरसिल का नाम जो हरि की जो शिला है, हरि भगवान जी जो है यहाँ पे जो है वो शिला के ऊपर है। मतलब शिला मतलब पत्थर का, बड़ा पत्थर का ये भगवान जी ने जो है यहाँ पे अवतार दिया था हरसिल का। दूसरा यहाँ पे राम तेरी गंगा मेरी शूटिंग हुई थी, तब से बहुत फेमस हुआ। तीसरा यहाँ पे जो विल्सन आया था, पैट्रिक विल्सन जिसने इंग्लैंड से, उसने यहाँ पे जो है बहुत बड़ी क्रांति लाई थी। सेब आया था विल्सन वैरायटी के नाम से, अभी भी उनके पेड़ है ना, वो भी अभी कुछ कुछ रहेंगे। अब तो नई नई वैरायटी लगा दी, अब तो सब एक साल में सेब देने लगे। सबसे पहले उन्होंने तो किया था विल्सन ने, तो सेब का उन्होंने देखा कि यहाँ का शादी वहाँ से की थी उन्होंने, मुखवा से ना, दो जगह से, दो जगह से, एक दो पत्नियां उनकी, एक कब्र में है, जो वंशज था ना जो खत्म हो गया, क्योंकि उसको यहाँ पे मंदिर हमारे यहाँ ना धराली में वो जूते पहन के अंदर चले गया, घुस गया जूते पहन के अंदर चले गया, पट्टी आते देवदार की लकड़ी लगती पट्टी के नीचे, तो वो जो यहाँ से पेड़ काट के नदी में बहा था वो सीधे हरिद्वार पहुँच गया, ठीक है। फिर कस्तूरी मिर्ग जो था यहाँ पे, कस्तूरी मिर्ग उसने किया यहाँ पे शिकार कर था, फिर यहाँ के जो लोकल लोगों से उसने फिर अपने साथ मतलब किया क्या मजदूर बनाए, उनसे काम किया, फिर यहाँ पे उसने जमीन ली, यहाँ पे विशन बंगला बनाया, उसने बहुत अच्छा पड़ा घर बना था, वो जल गया। फिर उसने यहाँ पे बीज लाया, राजमा आलू के बीज लाए, और यहाँ जो इस जो गंगा नदी में जो है यहाँ पे ट्राउट मछली बहुत है, ट्राउट फिश है जो नहीं बिकती है मनाली में भी मिलती है, आठ हज़ार फीट में, ठीक है। फिर उन्होंने भी उनकी वजह से भी बहुत फेमस हुआ, पहले यहाँ के लिए अनिया बोलते थे लोकल भाषा में, हरसिल का नाम अनिया जो ये बाजार था, हरसिल का जो बाजार था पहले, हमारे लोकल जो ज़्यादा लोग बोलते कि हम अनिया जा रहे हैं, फिर यहाँ पे अब फैसिलिटी सब कुछ है, यहाँ मेडिकल भी है, इंटर कॉलेज है, और थाना है, और गढ़वाल मंडल का है, और इतने बड़े बड़े हरसिल के नाम से रिजोर्ट बन गए मोटोला जी लोगों। तुम रखो, आ रही हूँ मैं, तुम रखो मैं आ रही हूँ। तो भैया ने आपको हरसिल के बारे में बहुत कुछ बता दिया। जैसे कुल्लू मनाली है ना, कुल्लू मनाली क्या है, कुल्लू मनाली है टूरिस्ट प्लेस, हरसिल टूरिस्ट प्लेस है, मैं रहता हूँ धराली, धराली क्या है ये मेन रोड पे है हमारा, यहाँ धराली हमारा टूरिस्ट प्लेस नहीं है, धराली हमारे का यात्रा, जैसे सीजन जैसे सीजनली होटल होते हैं ना हमारे यहाँ यात्री आती है धराली में, हमारा मार्केट धराली में बहुत बड़ा मार्केट है, वहाँ सब यात्री आते हैं, वो प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, बुजुर्ग लोग आते हैं यात्रा करने, जो हरसिल के नाम से आते हैं ना उनको यात्रा से मतलब नहीं होता, वो टूरिस्ट आते हैं, हरसिल टोटली टूरिस्ट आते हैं, लड़के लोग आते हैं, हाँ टूरिस्ट मतलब जो लड़के हो गए, कोई नए कपल हो गए, या कोई घूमने के शौकीन है, किसी ट्रैकिंग करना है, तो वो लोग हरसिल में घूमने आते हैं। हम लोग भी जब जाते बाहर भी गोवा चले गए, कुल्लू मनाली चले गए, मसूरी चले गए, शिमला चले गए, नैनीताल चले गए, तो वैसे एक हरसिल एक जगह है, और ये जो है अभी विश्व मानचित्र में इसको थोड़ा कम है, अभी फेमस कम है, क्योंकि यहाँ धीरे धीरे इसका बुक में भी वो है, अभी धीरे धीरे इसका जो है ना बहुत प्रचार हो रहा है, अब भीड़ ज़्यादा होगी तो फिर मुझे खुद नहीं तो पता कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में मतलब हरसिल की कोई जगह है, फिर मैंने यहाँ के सेब के बारे में पढ़ा, यहाँ का एप्पल तो यहाँ के जो हरसिल के जो रॉयल हरसिल के जो रॉयल एप्पल है वो किस प्रसिद्ध है, रॉयल एप्पल जो होता है ना उसका छिलका बाहर से मोटा होता है, जूस होता है, और वो साल भर तक खराब नहीं होता,
काफी टाइम तक चलते हैं तो फिर अजोड़ी वाले हाइट यहां की 8000 फुट है और मसी 6 महीने पर अपने की 6 महीने सबसे ज्यादा हाइट है। अगर कोई नीचे से आएंगे तो ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होगी एकदम एकदम से तो एक दिन रुकेंगे तब ठीक हो जाएगा। जैसे एकदम से आएंगे मेरे को जब कोरोना हुआ ना तब मैं यहाँ आई मेरे को सांस लेने में बहुत दिक्कत होती थी बहुत ज्यादा। हाँ आपकी वीडियो ही नहीं बन रही बताओ आपने नजर लगा दी मेरे मोबाइल पे। वाह तो मेरी भीड़ सुनो तो सही मोमो देखे लोग सब बोल रहे इधर 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 आप देखे ना दांत ना आपकी वीडियो देखे ना तो हमें ऐसा लग रहा है कि ताई ने मोमो की दुकान खोल दी है बताओ। आज हम फिर आ गए मोमो चटका दिए हमने मोमो इतना बेनिफिट करा दिया अकेले भी नहीं आती पांच पांच छह छह लोगों को झुंड में आती हूँ मैं झुंड में नहीं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं रुचि सुनेगी मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय स्वस्थ रहें मस्त रहें शुभ रात्रि।